विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से मात देकर इस विश्व कप को अपने नाम कर लिया। भारत ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारतीय टीम के विजय रथ पर ऑस्ट्रेलिया ने वहीं विराम लगा दिया। वहीं हार के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। सभी भारतवासियों को यह समझ नहीं आ रहा कि भारत ये मुकाबला कैसे हार गई। वहीं हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को लगा कि यह हार भारत के अति आत्मविश्वास के कारण हुई है, जिसको लेकर उनकी एक तीखी टिप्पणी सोशल मीडिया पर अंदरों तेजी से वायरल हो रही है। भारत की पारी के दौरान अफरीदी पाकिस्तान के चैनल समा टीवी पर लाइव थे। मुश्किल परिस्थितियों में मैन इन ब्लू को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया। भारतीय टीम ने अपने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को 4 रन पर खो दिया, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 31 गेंदों में 47 रन बनाए। इनके कैच आउट होने के बाद अफरीदी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जब आप खेल जारी रखते हैं तो आत्मविश्वास भी ज़्यादा हो जाता है, तो वह चीज़ आपको मारवाही देती है। वहीं भारत की खराब शुरुआत के बाद भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और विकेटकीपर केएल राहुल ने टीम को वापस से बेहतरीन लय में लाया। कोहली और केएल राहुल के बीच 18.3 ओवर में 76 रनों की साझेदारी भी हुई, लेकिन उनके आउट होने के बाद शेष लाइनअप नियमित रूप से गिर गए और भारत पूरी पारी में केवल 240 रन पर ही सिमट कर रह गई। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।